हेलो वॉचर्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी द यूनियन की एक्सप्लेनेशन, जिसके हीरो है मार्क वॉलबर्ग और हीरोइन है हमारी कैटवुमन हैली बेरी। साला तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। चल पिक्चर की कहानी पता। हाँ दादा हाँ, नहीं करेंगे बकवास और करते हैं कहानी स्टार्ट। उससे पहले गाइस, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना दादा तुम्हारे नाम का भी कुत्ता पाल लेंगे। तेरे नाम का तो कुत्ता भी नहीं पालू नागा। तो होती है कहानी की शुरुआत एक शानदार होटल में कुछ आदमियों के साथ। यह आदमी आम नहीं है बल्कि एजेंट्स है, और एक पुराने भगोड़े एजेंट को पकड़ने आए हैं, जिसको बाहर से सुपरवाइज कर रही है एजेंट रॉक्सैन, जो ले गई मेरे दिल का चैन। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हेडक्वार्टर से लीड कर रहा है टॉम, दे रहा है सबको इंस्ट्रक्शन ताकि पकड़ लिया जाए गद्दार को और हो जाए सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो घुस गए कमरे में और दिखाया बंदूक, पकड़ा भगोड़े को और हाथ लगा एक संदूक, संदूक मारे ब्रीफकेस जिसमें है सभी एजेंट्स की जानकारी। तो बाहर निकलने लगे सभी, लेकिन एक्सट्रैक्शन वाला वैन ब्लास्ट हो गया। तभी भगोड़े को लेकर सभी पैदल जाने लगते हैं, तभी कोई सब पर गोलियां बरसाने लगता है, एक एक करके सभी ढेर हो जाते हैं। और तभी रॉक्सैन आती है दौड़कर बचाने के लिए। और ये क्या मस्त हेयर स्टाइल है यार, बोले तो सेक्सी मतलब ब्यूटीफुल लग रही है बहुत। तोबा तोबा तोबा। तो और क्या, सबके सब मारे गए और ब्रीफ केस भी गया, मतलब ऑपरेशन फेल्ड। अब दोस्तों हीरो से मिलने का वक्त आ गया है। अपना हीरो बाइक सो के उठा है, अकेले नहीं बल्कि टीचर के साथ। बचपन में इसके स्कूल में यही टीचर थी, और अब देखो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। देखना तो पड़ेगा ये गुरुजी, क्योंकि OTT का जो जमाना है। खैर आगे बढ़ते हैं। माइक पहुंचता है घर, अपनी माँ को देखकर जाता है थोड़ा डर, क्योंकि उसकी मम्मी को सब पता है। जिसके बाद जाता है वो काम पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो बनाता है बिल्डिंगे और घर। शाम को थक हार कर दोस्तों के साथ चिल करता है बार पर, और तभी आती है रॉक्सैन। हाय क्या सेक्सी मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल है, लगता है जान लेकर ही मानेगी बच्चे की। तोबा तोबा तोबा। उसको देखते ही माइक चौक जाता है, क्योंकि दोनों स्कूल डेज में साथ थे। फिर दोनों थोड़ी पुराने दिनों की बातें करते हैं, और रॉक्सैन कहती है चलो कहीं बाहर चलते हैं। इसके बाद सुपर स्पीड से बाइक दौड़ाकर दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां माइक सोचता है अब यार रॉक्सैन को तो गले लगा ही लेना चाहिए। मगर गले लगाने के बाद रॉक्सैन ने निकाला इंजेक्शन और खटैक माइक बेहोश भर के ले गए उसे बुरी में कुछ लोग। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे हेयर स्टाइल वाली लड़कियों से बच के रहना चाहिए। क्या नहीं कहा तो अभी कह रहा हूँ, बच के रही हो। आगे जागा माइक इन द होटल 5 स्टार, बाहर देखा तो पता चला मैं तो लंदन में हूँ यार। वो दरअसल अब लंदन में था। ठीक है भाई लोग, सब कुछ समझाता हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द यूनियन, जो कि CIA MI6 की तरह ही एक सीक्रेट एजेंसी है। तो वो फील्ड मिशन याद है ना, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन वाला ब्रीफ केस खो गया था, तो उसी की नीलामी होने वाली है और उसका इंटरन सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। मगर मुश्किल की बात यह है कि कोई भी एजेंट उस सॉफ्टवेयर को खरीद नहीं सकता, और अपनी रॉक्सैन समझती है कि माइक बहुत ही काबिल है। अबे ओ दड़ियल, तेरे नाम का कुत्ता पालू। गाने का टाइम नहीं है ये। ये एडिटर भी ना बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता है, क्योंकि एडिटर तो मैं ही हूँ। ओके गाइज, लेट्स बैक टू द स्टोरी। आगे अचानक थोड़ा कोलो कोपो कुचिकी के बाद माइक मान जाता है, थोड़ा शॉक होता है मगर मान जाता है, मुंडा तो कुड़ी नाल फंस गया है। जिसके बाद शुरू होती है ट्रेनिंग, जहां हमारे माइक भैया कार को दौड़ाते हैं, मुक्के बरसाते हैं और ढेर सारी गोलियां भी चलाते हैं। वैसे ट्रेनिंग तो अच्छी हो जाती है, मगर भाई के मजे ही हो जाते हैं। तो आगे आखिरकार डील का दिन, जहां पर पैसे देकर माइक को खरीदना है ऑक्शन का इंटरेंस सॉफ्टवेयर। तो गया वो बैग भर के पैसे लेकर, मिला भिखारी, बोला आ जाओ मेरे पीछे झोला लेकर। ऊपर से रॉक्सैन नजरें रखी हुई होती है माइक पर, मगर ये क्या साली कोई और भी नजरें जमाई है माइक पर। दरअसल ये दूसरे एजेंसी वाले लोग हैं यार, जो सॉफ्टवेयर पाना चाहते हैं। अंदर पैसे देकर मिल जाता है इंटरेंस सॉफ्टवेयर, जो कि फोन में है, और ये सब कुछ देखने में हलवा लग जरूर रहा है मगर है नहीं। बाहर निकलते ही बरसने लगती है ढेर सारी गोलियां।
अपनी कैट वुमन रॉक्सन कवर फायर देकर बचा लेती है माइक की जान। माइक जान बचाकर भागने लगता है, पर वो छत वाली लड़की याद है ना, जो कि माइक पे नजरें गड़ाई हुई थी, बहुत खतरनाक है वो आ जाती है और देती है धपा दप मारती है ऐसी लात कि गिर जाता है डिवाइस बेसिन में और हो जाता है खराब। तो आ गई रॉक्सन और करने लगी मुकाबला। दंगल वाली बबीता की तरह दे दिया छोकरी को एक धोबी पछाड़ और क्या खलास। मगर एवरीवन बैक टू द बेस, पता चला फोन हो चुका है खराब, मतलब ऑपरेशन हो गया है वेस्ट। तो हमला करने वाले थे रशियन, ऐसा उन्हें पता चला और शक है कि हम में से कोई ना कोई तो गद्दार जरूर है, और जिसका पता आपको बाद में चलेगा यार। वैसे ऑक्शन के जरिए इन्फॉर्मेशन 5 मुल्कों की एजेंसी पाना चाहती है, मतलब कि एक डिवाइस खराब हुआ तो क्या हुआ, दूसरे का चुरा लेते हैं और फिर से मिशन ऑन। तो कोरियन सीक्रेट एजेंसी थी सबसे कमजोर, तो हमला करके उन्होंने पा लिया डिवाइस को। लेकिन 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 जो आसान दिखता है वो होता नहीं है। कॉन्टैक्ट नहीं होने पर वापस आए माइक रॉक्सी साथ, लेकिन अफसोस पड़ी थी वहां पे उनके ही एक साथी की लाश, और तो और उनके हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया गया यार, गजब हुई गवा। अब तो पक्का लगता है साला कोई ना कोई गद्दार है। अब सब मिलकर फैसला करते हैं कि हम अलग अलग हो जाएंगे और सीक्रेट लोकेशन पर बाद में मिलेंगे। तो रॉक्सन और माइक एक सेफ हाउस में चले जाते हैं, जहां रॉक्सी दोस्तों के मर जाने की वजह से इमोशनल हो जाती है, मगर अपना हीरो माइक सब संभाल लेता है, मेरा मतलब है कि जोक्स मार के मूड को लाइट कर देता है। अगले दिन सीक्रेट लोकेशन पे टॉम मिलता है, जो कि थोड़ा घायल था। कहता है होने वाली है शुरू ऑक्शन, तो माइक एंड रॉक्सी दिखाओ एक्शन, मतलब यार बिडिंग के साथ साथ ये ट्रैक भी करेंगे। तो रॉक्सन और माइक बैठकर बाइक पर पहुंच गए ऑक्शन वाली लड़की के पास साइट पर। रॉक्सन बोली, ओ चिकनी चमेली, चल ब्रीफकेस निकाल। चिकनी बोली, ब्रीफकेस तो घर पर है यार। अच्छा अच्छा ठीक है चल चल तेरे घर पे चल। जहाँ पर ब्रीफकेस तो बिल्कुल सही है यार, लेकिन वेट अ मिनट, ये कौन आ गया? ये तो वही कालू है ना जो सबसे पहले मारा था, याद है ना दोस्तों? बाय द वे गाइस, इसका नाम है निक और ये रॉक्सन का एक्स हस्बैंड है। इसकी तो मैं माइक से पहले तो साला मैं ही शौक हो गया था। खैर वो बताता है कि यूनियन का लीडर टॉम ही गद्दार है और हम सबकी जान खतरे में है। इसके बाद वो बताता है कि गोली लगने के बाद, पानी में गिरने के बाद वो बैकर कहीं पहुंच गया था और बच गया किसी तरह वगैरह वगैरह। देखो गाइस सुनो, यहाँ पर तो एक बच्चा भी बता देगा कि विलन कोई और नहीं है, टकड़ा जाड़िया ही है। खैर वो बोलता है कि कल सुबह पुल पे मिलता हूँ, और पहुँचने पर फोन करके कहता है, देख मेरे को ना माल मांगता है, ढेर सारा माल, तो एज यूजुअल मैं ही गद्दार हूँ और जा रहा हूँ ब्रीफकेस का सौदा करने, तो तुम दोनों के अकाउंट में मैंने ढेर सारा माल डाल दिया है, तो मामू लोग तो आता ही होगा, और हाँ चिकनी चमेली भी मेरे टीम में है जिसने ब्रीफकेस बाद में बदल दिया था। जिसके बाद यूनियन के लोग आ जाते हैं और माइक और रॉक्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो क्या मार दिया माइक और रॉक्सी ने उड़ी, और पुल के नीचे से एजेंट्स को भूतिया बना के निकल पड़े निक को पकड़ने, क्योंकि रॉक्सन जितनी सेक्सी मतलब खूबसूरत दिखती है उतनी ही स्मार्ट भी है। लगा दिया था उसने कालू पे ट्रैकर, तो कंटेनर में माइक के दोस्तों की हेल्प से पहुंच गए दोनों निक के करीब, जहां वो रशियन एजेंसी से कर रहा है डील। मगर मीटिंग के बीच में ही आ गई रॉक्सन और बोली, इसको तो मैं ले जाऊंगी जेल, और भिड़ो तेरे को भी नहीं होगी बेल। तो रशियन बोला, अब पुल को कोई राड़ा नहीं मांगता है क्या भिड़ो, पहले अपना सब कुछ सलटा लो फिर मैं आऊंगा। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि चिकनी चमेली भी बोलती है, ओ रॉक्सी बहन मैं भी चलती है क्या, टगले को तू मार या पकड़, बस मेरे डिंपल पे पिंपल नहीं पड़ने चाहिए, बोले तो मेरी खूबसूरती खराब नहीं होनी चाहिए क्या, मेरे को बस पैसा मांगता था क्या, इसीलिए मैं जाड़िया के साथ थी, ठीक है मैं चलती है। जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है और ब्रीफकेस को दे देती है रॉक्सन को। रॉक्सन उठाकर दे देती है ब्रीफकेस माइक को, और माइक ब्रीफकेस को लेकर भागने लगता है, और इधर साला निक भी भाग जाता है। तो साला हो नहीं था। तभी तो पिक्चर आगे बढ़ेगी ना दोस्तों। इधर माइक कर रहा होता है फाइट, कभी इधर गोली तो कभी उधर गोली, लेकिन इसी बीच आ गया टकला, रख दिया रॉक्सन के सर पे बंदूक, लेकिन माइक गोली नहीं मार पाया क्योंकि उसे रॉक्सी से। जिसके बाद ब्रीफकेस हाथ लग गई निक द टकले के, और वो लेकर भागने लगा। दोनों कार से उसका पीछा करने लगते हैं, और तभी माइक भैया का हो जाता है एक्सीडेंट, और लगता है वो तो गए। रॉक्सन हैरान परेशान घूरने लगती है, क्योंकि उसे भी माइक से ओ मागू टुरुला
लेकिन ये क्या, माइक भैया मरे नहीं है बल्कि टाइम पर कूद गए थे कार से। आखिर हीरो लोग तो यही करते हैं ना दोस्तों, कितने भी ऊंचाई से कहीं भी कूद जाते हैं और उन्हें एक खरोच भी नहीं लगती। लेकिन एक मेरा दोस्त है जो बाथरूम में नहाते वक्त फिसल कर गिर गया था। खैर निक पहुंचता है झील के पास, बोट से भागकर चला जाना चाहता है और तभी रॉक्सैन और माइक आ जाते हैं। पकड़े जाने पर निक लालच देता है, बहुत सारा माल मिलेगा इसका रॉक्सी, चलना मेरे साथ। तभी रॉक्सैन दाग देती है दो गोली और ले लेती है ब्रीफकेस और मिशन अकम्प्लिश्ड। जिसके बाद माइक दोस्त की शादी को अटेंड करता है जहाँ पर रॉक्सैन भी आई होती है, जहाँ से दोनों एक साथ छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों यकीन है मुझे वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ कि कौन सी मूवी आप नटशेल में देखना चाहते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे और भी वीडियोस को देखिए और खूब मजे लीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी वीडियो में। सी यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।